अंबानी अडानी का पैसा माफ हो रहा है वो नहीं दिखाती, वहां ड्रग्स पकड़ी जाती है वो नहीं दिखाती, सिर्फ एमसीडी कर्मचारी ओहो ये सुबेरे 6 बजे आके काम करे। हमारे बच्चे जब भूखे मरेंगे तो हमें यहाँ से भी आगे जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे हम। देखिए दिल्ली में राजा कौन? केजरीवाल। दिल्ली की सत्ता में कौन? केजरीवाल। दिल्ली की जनता ने वोट किसे दिया? केजरीवाल। आज जब दुख होगा तो केजरीवाल को हमें कहना पड़ेगा, क्या दिल्ली की सरकार क्या इस एमसीडी को नहीं समझा सकती? ये लोग बेबुनियादी बातें करते हैं, ये फूलों की बातें करते हैं, ये पैर धोने की बातें करते हैं, मगर इनका सीधा सीधा टारगेट जो है वो दलित समाज बहुजन समाज है। स्कूल में जाते हैं, हमारे पास पढ़ाने के पैसे भी नहीं है, जेब फटी पड़ी है, ये टी शर्ट पे मत जाना, इस पे खाली जेब है, किराए के भी पैसे नहीं है, घर में कनस्तर भी खाली पड़ा है, और जब दुकानदार के पास जाते ना ऐसे कुर्बान पकड़ लेते हैं, 3-3 महीने हो गए बनिए, पैसे दो हमारे। गुलाम बना रखा है, नहीं हमें कोई शौक नहीं है गुलाम बनने का, लेकिन ये चाहती है बीजेपी कि इन लोगों को दलित रखा जाए, गुलाम बनाया जाए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त जो आप मेरे साथ एक व्यक्ति देख रहे हैं जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इससे पहले भी मैंने आपको जंतर मंतर पर इन व्यक्ति से आपकी वार्ता करवाई थी और आप इनका इंटरव्यू लिया था, तो जब बात थी इंद्र मेघवाल की, लेकिन आज बात इनके उसूलों पे आती है कि किस तरीके से सफाई कर्मचारी भी गुलाम बना हुआ है, गुलामी की जंजीरों में कैसे जकड़ा हुआ है, आज भी ये उसी तरीके से यहाँ पर मौजूद है। तो क्या नाम है सर आपका, एक बार और इंटरव्यू में? मेरा नाम राकेश कुमार है। तो कहाँ से आए आप? हम सुल्तानपुरी से। सुल्तानपुरी से आए हैं। मैं देखती हूँ जब भी SC ST OBC का इस तरीके का कोई प्रदर्शन होता है तो आप जंजीरों में जकड़े हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैडम हम गुलाम हैं, इस मारे गुलाम हैं या गुलाम बन चुके हैं? गुलाम बना रखा है, नहीं हमें कोई शौक नहीं है गुलाम बनने का, लेकिन ये चाहती है बीजेपी कि इन लोगों को दलित रखा जाए, गुलाम बनाया जाए, और हमारे साथ जो आघात कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि तरीके के आघात या आघात ये हो रहा है कि 4-4 महीने हो गए सैलरी नहीं हो रही, 23-23 साल से कर्मचारी कच्चे पड़े हैं बेचारे, जो लटेर हो जाता है उनकी पेंशन नहीं होती, जो मर जाता है उनकी नौकरी नहीं मिलती, तो और कितना आघात करेंगे ये। लेकिन कहा जा रहा है, दावे वादों के साथ मीडिया दिखा रही है कि आपके घंटों के हिसाब से आपको सैलरी दी जा रही है। हमें 3 महीने तो हो गए, 4 महीने आज तक तो सैलरी की शिकल देखी नहीं, कौन कहता है कि हमारे को घंटों के हिसाब से पैसा मिलता है? सालाना 72 लाख रुपए आपको मिल रहा है। हमारे को 14,000 रुपए सैलरी है हमारी सालाना, मैं बता रही हूँ। मैं दावा कर रही है मीडिया आज तक, और मीडिया तो पता नहीं क्या क्या दावा करती है, ये गोदी मीडिया हो रही है, सारी मोदी की गुलाम हो रही है। अंबानी अडानी का पैसा माफ हो रहा है वो नहीं दिखाती, वहाँ ड्रग्स पकड़ी जाती है वो नहीं दिखाती, सिर्फ एमसीडी कर्मचारी ओ ये सुबेरे 6 बजे आके काम करे, हम लोग सुबेरे 6 बजे घर छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर आके इस हिंदुस्तान को सफाई कर में रखते हैं, साफ सफाई में रखते हैं, लोगों को साफ सफाई देते हैं। करोना काल में भी हमने साफ सफाई में काम किया, हमें अपनी मौत की चिंता नहीं, हमने फिर भी दूसरों के लिए किया, लेकिन हमारे लिए क्या किया अभी सरकार? कहते हैं कि आप तो काम आपका ये काम है, आपकी जाति से ही काम बांध दिया जाता है, काम है ये आपका? नहीं, जाति काम क्या मतलब है, हमारे यहाँ तो मुसलमान भी है, जाट भी है, हर बिरादरी का है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उनको प्रमोशन दे देते हैं, हम लोगों को प्रमोशन नहीं देते ये लोग। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12वीं पास। 12वीं पास है, तब के जमाने की आपकी अभी उम्र क्या होगी? मेरी 52 है। 52 है, तब के जमाने की 12वीं भी बहुत मानी जाती थी, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे कर्मचारी हैं। क्या करें, ये अभी उनको बना रखा है, मैं 23 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, 23 साल हो गए इसी आस में हम नौकरी कर रहे हैं कि कल को पक्के हो जाते, बच्चों की शादी कर लेते, मकान ले लेते। अच्छा, मैं जब भी किसी से पूछ रही हूँ तो बच्चों की शादी पे आपकी बात आ रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की आप बात नहीं कर रहे हैं, क्या आपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहे? आप लोग पढ़ा ले रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे, यही काम कर भी रहे हैं क्या औरों के लोगों के भी? भाई हम नहीं पढ़े, हम पढ़े हैं तो मैंने अपने बच्चों को भी शिक्षा दी है, जे है कि प्राइवेट ना पढ़ा के सरकारी पढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा घर में जाके हम भी उनको बच्चों को ट्यूशन देते हैं। ट्यूशन देते हैं आप? बिल्कुल। मैडम जी, हमारे बच्चे जो है ना स्कूल में जाते हैं, और हमारे स्कूल में जाते हैं, हमारे पास पढ़ाने के पैसे भी नहीं है, जेब फटी पड़ी है, ये टी शर्ट पे मत जाना, इस पे खाली जेब है, किराए के भी पैसे नहीं है, घर में कनस्तर भी खाली पड़ा है, और जब दुकानदार के पास जाते ना ऐसे कुर्बान पकड़ लेते हैं, 3-3 महीने हो गए बनिए, पैसे दो हमारे, कर्जा इतना हो रखा, बताओ बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लैपटॉप मांगते हैं, कंप्यूटर के सर जी ने कंप्यूटर मंगाया, कहाँ से ला के दे, 4-4 महीने 6-6 महीने सैलरी को हो जाते हैं, ना हमारा बोनस मिला है।
अडानी अंबानी जैसा कर्जा थोड़ी हुआ है जो माफ हो जाएगा। अडानी अंबानी से मैं कह लेना, अडानी अंबानी तो इतना कमाते हैं, हम थोड़ी करोड़ रुपये कमाते हैं, वो तो एक बिल्डिंग भी खरीद लेंगे, हमारे पास तो 5 रुपए भी नहीं है जेब में कुछ खाने के लिए कि अपने बच्चों को कुछ खिला दे। सबसे ज्यादा पैसा आप ही लोग कमा रहे हैं, महीना भी मिलता है टाइम के हिसाब से। अगर हम सबसे ज्यादा कमाते तो आज ये भाई रोडों पर नहीं आता, ऐसे चैन पेर के आपके सामने खड़ा नहीं होता और 23 साल का गुहार नहीं लगाता, समझ गए। आज हमारे पास वो हालत है कि हम फांसी लगा के मरने पर आ गए हैं, इस बिल्डिंग से कूद जाने का मन करता है हमारा। आप हमारे घर चल के देखे, हमारे घर भी टूट गए हैं, पानी टपकता है पानी, ये माता बहने खड़ी है ना, इनके दिलों से पूछो, ये रोडों पर ऐसे ही नहीं आ रहे, ठीक है ना। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदी है। कहाँ से आए हैं जी? मैं रहता हूँ नांगलोई। नांगलोई से आए? हाँ जी। इतना आपके बात से मेरे को समझ में आ रहा है, मेरी जनता भी देख रही होगी, आपके आंखों में छलक रहा है दुख, वाकई में आप लोग परेशान हैं। हाँ जी, परेशान है। बच्चे हैं आपके? बच्चे, 2 बच्चे हैं जी मेरे। कितने बड़े हैं जी? मेरे 2 बच्चे, एक 10वीं में है, एक 8वीं में है। जब वो मेरे से कहते रहे पापा बैग फट गया, मेरी पैंट फट गई, स्कूल की वर्दी भी नहीं दिलाई मैंने, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा मन करता है कि फांसी लगा के मर जाऊं। और चद्दर के मकान में तो नहीं विश्वास हो रहा, तो चलो देखो हमारी हालत, बारिश भी टप टप करती है, ये सही नहीं, सभी का हाल है, कोई ऐसे अपने घर से कोई नहीं लेकर आता, सब अपने बेचारे रो रहे हैं, ठीक है ना। 25 साल हो गए, 25 साल कहाँ गए इनके दुख से पूछो, 25 साल हो गए किराए पे घूम रहे हैं, बताओ 25 साल हो गए हम शहर में। समाज की जो बस्तियां हैं वहाँ पे आपके इतने आलीशान मकान बने होते, चींटियां रपट रही होती है, ऐसा देखा भी है। अच्छा। और बताया भी जाता है। अब आप नहीं, इसी कमरे में जो बैठे हैं ना, उनसे बोलो जरा एक बार रोड पे आओ, हम तो झाड़ू मारते ना, हमारे साथ 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे खड़े हो, और तब पता चलेगा। हाँ, जब पता चलेगा कैसे घर बने हुए हैं। हमारे घर तो चलिए एक एक ईंट में है ना मसाला भी ऐसे रिपट रहा, पानी टपकता और हमारा शोषण किया जा रहा है। ये भाई ऐसा ही नहीं है, ये भी ऐसे नहीं है, 26 साल हो गए इनको, देखो इनको, इनकी तो शोषण किया जा रहा है, बिल्कुल शोषण किया जा रहा है। बीजेपी 20 साल से है, बीजेपी का कट्टर वो था मैं कार्यकर्ता, बीजेपी को वोट देता था, लेकिन अब मैं बीजेपी को भी नहीं दूंगा। अब वोट देते थे, अब क्यों चिल्ला रहे हैं? हाय 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 हाय, इसलिए चिल्ला रहे हैं कि मुझे भी 19 साल हो गए एमसीडी में। आपको तो खुशी ही उसी में मिलती है, कावड़ यात्रा निकालते फूल बरस जाते हैं, आपको खुशी ही उसमें मिलती है, ऐसी खुशी परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसी खुशी किसे क्या करना है, बोलो। कावड़ यात्रा में भी तो आप ही लोग होते हैं सबसे ज्यादा, बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम खुशी मनाए वहाँ पे, ऐसी खुशी किस काम की है, बोलो। आप लोग खुशी नहीं मनाते, सरकार आपके आने पे कावड़ यात्रा आप निकालते हैं, फूल बरसाती है, वो हमारे स्वागत करती है। हमारे यानी आप कावड़ यात्रा करते हैं? नहीं, हम कावड़ यात्रा नहीं करते, हम कावड़ यात्रा नहीं करते ना, हमारी जेब में तो नोट है, हम कावड़ यात्रा करते हैं, ठीक है ना। टीवी में दिखाने के लिए तो मैं भी आपके पैर धो लूंगा, मैं भी चरण स्पर्श कर लूंगा सफाई कर्मचारियों के। लेकिन मैंने देखा है, मैं खुद रिपोर्टिंग करी जब मैंने की है कावड़ यात्रा में, अगर मैंने लोगों से पूछा है तो सबसे ज्यादा SC ST OBC है, नेताओं का बच्चा नहीं है वहाँ पे। नेताओं के बच्चे क्यों जाएंगे, वो तो फॉरेन में पड़े हैं। तो क्यों करना है कावड़ यात्रा? हम तो आपकी तो आस्था ही भगवानों में। हम तो नहीं भगवानों में है, लेकिन हम कावड़ यात्रा कहाँ से करें, जेब में मानते हैं, पूजा मानते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे जय भीम के नारे क्यों लगा? हम हाँ जी, जय भीम के नारे, जय भीम के लिए, वो हमारा संविधान है, कानून है, भगवान को मानते हैं। बाबा साहब ने और भी कुछ कहा? हाँ, कहा कि भगवान को मत मानो, लेकिन हमारी शर्त है, हम मानते हैं। किसी की आस्थाएं आहत भावनाएं आहत नहीं कर रही हूँ, जिसका जो धर्म है वो माने, लेकिन मैं एक सवाल कर रही हूँ, जनता भी हमारी जानना चाहती है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान पे आपको विश्वास है तो फिर यहाँ जय भीम के नारे क्यों? जय भीम हमारा संविधान है, कानून है, बाबा साहब को भी हम दिल में जगह देते हैं, हमारे संविधान लेके चले, वो हमारे समाज से है, ठीक है ना। हम किसी के भगवान के विरुद्ध नहीं है, जिसकी जैसी श्रद्धा वो माने। भीम को भी अपने समाज से जोड़ दिया है जी, वो तो हमारे ही है, दलित समाज से ही है। ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग भी कुछ जातिवादी कम नहीं करते हैं? जाति ज्यादा होता है, हमें तो कहीं गुस्सा भी नहीं दिया जाता, छोटी कास्ट वाले, छोटी कास्ट का जब हमें तो बोलने भी नहीं दिया जाता कि बाहर करो, किसी अफसर के पास चले जाते और पहले कहते हैं रिश्वत दो, जब साइन करेंगे बताओ, आज कह रहा हूँ रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत, भ्रष्टाचार, बड़े बड़े अफसर, बताओ क्या हम अपने दुख को रोज ऐसा ही ग्रहण लेकर आते हैं, सब सब होता है, आज हमें अच्छी खबर मिलेगी, अरे बोनस तक नहीं दिया हमारा, 1100 रुपए बोनस है, क्या हो जाएगा बोनस में बताओ आप। बीजेपी इतना भ्रष्टाचार करी कि आप इतने दुखी हो चुके हैं, इतना परेशान हो, अरे इतना दुखी हो चुका हूँ कि अगर और दुखी हो गया ना तो मर ही जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 17 सितंबर है कल, है ना, मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और आज आप 16 सितंबर को यहाँ पर इतनी विशाल तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी,
प्रदर्शन इसलिए कर रहे क्योंकि हमारे को तनख्वाह नहीं मिलती। टाइम जन्मदिन नहीं बनाना चाहिए आपको आज के दिन। कहाँ से मनाते जन्मदिन, झूठे वादे झूठी निराशा यही मिले हमें बस। लोग पूछना चाहते हैं ऐसा, मेरा मेरा सवाल नहीं। बताओ हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बीजेपी में एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। बताओ हमारे टाइम पे 1100 बोनस नहीं दिया जा रहा है, एरियल नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलती, 6-6 महीने हो जाते हैं। भैया फूल तो बरस जा रहे हैं ना आपके ऊपर। अरे फूल हम थोड़ी बरसा रहे हैं, हमारे जेब में तो नोट नहीं है। फूल यात्रा में बरस जाते ना, कुछ कहना चाहते थे आप? मैडम मेरा नाम अमित करोतिया है, मैं दीनावाना कर्मचारी फेडरेशन से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यस मैडम आप पूछिए। आप मैं अभी अभी सवाल कर रही थी इनसे, तो अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रही हूँ कि भाई आप लोगों पर फूल की बरसात होती है, फिर क्यों परेशान हो? हम लोगों पर कौन सी फूलों की बरसात हो रही है? कावड़ यात्रा में आप लोग निकालते हैं तो सबसे ज्यादा। मैडम जो आप ये कावड़ यात्रा का जो बहाना बना रहे हैं, आप उसके मीडिया के माध्यम से कावड़ यात्रा बता रहे हैं। मैं मानता हूँ कि SC ST OBC के सबसे ज़्यादा उसमें होते हैं, मगर अब की बार की कावड़ यात्रा में जो भीम सैनिक हैं, जो भीम को मानने लगे हैं, वो इस ढकोसले से, इस बीजेपी की कार्यविधि से परेशान होकर अब अपने घरों में बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं, अब शिक्षित हो रहा है हमारा युवा, शिक्षित होकर ये जान रहा है कि हमारे को कावड़ यात्रा जाना है या स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। और आज ये आवाज़ जो उठ रही है ना यहाँ पर, वो अधिकारों की आवाज़ उठ रही है। और वो अधिकार आज से नहीं, 25 सालों से अधिकारों की मांग डिमांड उठती आ रही है, मगर ये निकम्मी सरकारें इस समाज को नहीं देना चाहती, क्योंकि बहुजन समाज है ये। आज छोटे से कार्य से बड़े मेहनत करके आज अपना मकान दुकान बना चुका है, तो इनकी आंखों में खटक रहा है वो युवा, खटक रहा है इनकी आंखों में जो शिक्षित हो गया, वो युवा खटक रहा है जो आज अच्छी अच्छी नौकरी पर आ रहा है इनके सामने। तो इसलिए ये लोग बेबुनियादी बातें करते हैं, ये फूलों की बातें करते हैं, ये पैर धोने की बातें करते हैं, मगर इनका सीधा सीधा टारगेट जो है वो दलित समाज, बहुजन समाज है। अभी आपने कहा ढकोसले वाली सरकार है, लेकिन उस सरकार को लाने वाले भी आप ही लोग होते हैं। मैडम ऐसा था कि ये जुमला जो चला था कि सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ सबके विकास के अंदर सबका साथ तो हुआ नहीं। हाँ बहुजन समाज का विनाश जरूर हो चुका है। तो कैसे हो रहा है विनाश? मैडम विनाश क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हो, 4-4 महीने से सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं। FR 17 की जैसे अभी यहाँ पर हो रहा है सिविक सेंटर पे, मगर सादरा साउथ के अंदर FR 17 जो 1/4/2013 से 1/4/2004 से कर्मचारी परमानेंट हुए थे, अब उनको 2013 से माना जा रहा है। तो मैडम ये कहाँ का इंसाफ है, ये संविधान में कहाँ लिखा है? तब की लेबर एक्ट के अंदर 118 आर्टिकल के अंदर सीधा सीधा लिखा है कि अगर सफाई कर्मचारी होता है तो उसको इंक्रीमेंट तो मिल सकता है, मगर उसको पदोन्नत से नीचे नहीं किया जा सकता। तो ऐसा चल रहा है, जब हम ये सारी विध्वंसकारी नीतियाँ देख रहे हैं बीजेपी की सरकार की है, आम आदमी सरकार की, तो मैडम ये दलित समाज जो है अगर अपनी पे आ गया ना तो उड़ा के फेंक देगा इन सरकारों को, उड़ा के फेंक देंगे। आप सर आप यहाँ पर बोल रहे हैं? जी मैं यहाँ पे खुले मंच पे बोल रहा हूँ कि अगर दलित समाज को इसी तरीके से गुमराह और बेघर किया जाएगा ना, तो वो दिन दूर नहीं, आने वाले टाइम के अंदर सरकार को खुद चेताया जाएगा कि FKR वोट की, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव अब समीप आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के अंदर अब की बार हमको जो देंगे वोट की चोट देंगे बिल्कुल। लेकिन अभी फिर से, तो अभी जो इलेक्शन आ रहा है 2024 में, सुगबुगाहट तो ऐसी है कि फिर से भाजपा आ रही है। मैडम देखो 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 के अंदर जो बहुजन समाज के बड़े बड़े नेता हैं, वो अभी से बहुजन समाज को चेता रहे हैं कि 2024 के बाद संविधान को खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है, और इस संविधान को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए हमारे को संविधान। जी तो ये बताइए कि तनख्वाह आपकी बढ़ जाएगी जब आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो उसको जिताने वाले? मैडम आम आदमी के जो माननीय इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मैडम उन्होंने सबसे पहले सरकार में आने से पहले पचकुइया रोड हमारे मंदिर से शुरुआत की थी झाड़ू का निशान लेकर, और ये आश्वासन दिया था कि मेरी सरकार बनते ही मैं सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। मगर आप ये देखो 3 बार उसकी सरकार बन चुकी है, मगर 3 बार की सरकार के अंदर आज कर्मचारी इतना त्राही त्राही माम कर रहा है कि तनख्वाह तक के लिए तरस रहा है। लेकिन केजरीवाल जी के सब जगह ऑफिस में देख लीजिए भीम की फोटो लगी हुई है, भीमराव अंबेडकर जी के, उनको उसूलों पर चलते हैं, उनको मानते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं। मैडम तस्वीर लगाने का तो सीधा सीधा साक्षी ये है कि हम भीम पुत्र हैं, और वो भीम पुत्रों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, मगर ये ढकोचरा आज के समय में जो हमारा युवा है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है कि ये सिर्फ माननीय भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगा के हमको आकर्षित करना चाहते हैं, मगर आज का युवा जागृत हो चुका है। ये डेमोन्स्ट्रेशन का सीधा सीधा प्रमाण देख रहे हो, अगर यही हाल रहा तो हम सरकार गिराने का काम करेंगे, बनाने का काम नहीं करेंगे। और सरकार को चेता रहे हैं या तो बाज आ जाओ
या बहुजन समाज के अधिकार दे दो, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयारी हो रही है। चेतावनी है, झाड़ू का निशान लेके हमारे समाज का झाड़ू का निशान लेके हमारे भोले भाले सफाई कर्मचारियों को बेवकूफ बनाया कि तुम्हें पक्का करवा देंगे, तुम्हारे को टाइम पे सैलरी दिला देंगे। अरविंद केजरीवाल जी बेवकूफ बनते क्यों हैं? अरे भोले भाले इंसान है और क्या करे बताओ। जब हमारे को चीज बीजेपी सरकार ने दे रही तो उन्होंने हमारा फायदा उठाया कि भाई हम आपको टाइम पे सैलरी दे देंगे। आपका फायदा उठाती जा रही है, फायदा उठाती है हमारी, फायदा उठवाने देते हैं ना। हम गरीब लोग हैं, हम तो कहीं भी गए वहीं चले जाएंगे। हमारा फायदा शोषण होता है हमारा, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं ये हमारे मतलब का नहीं है, इनको भेजो, हम इनको नहीं जानते। केजरीवाल जी बोलते हैं तुम्हारा तो कोई सैलरी का मतलब ही नहीं है हमारे से, अन्ना कोई पक्के का मतलब है, वहाँ जाओ एमसीडी में बीजेपी जी बैठे उनसे बात करो। झूठों का पुलिंदा इतना है कि हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। अच्छा मुझे ये बताइए आपके समाज में कितनी जागृति पैदा हुई है, कितना अभी समाज शिक्षित हो चुका है? मैडम समझ रहा है मैडम, जो अभी आपका दौर जो चल रहा है एक दशक पहले से और आज जो एक दशक बीत गया है, उस दशक में हमारे जो युवा साथी हैं आज वो निकल के पढ़ाई करके आगे आ रहे हैं और वो इनके ढकोसले इनकी सारी चीज़ों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए ना, आए दिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सारी जगह जातिवाद दंगे फैल रहे हैं। और ये जातिवाद दंगे नहीं तो और ये क्या है, और क्यों नहीं सुधर रहा हमारा समाज? ये तो आप भली बात ही जानते हैं कि अगर समाज सुधरता नहीं, जागरूक नहीं होता तो आज इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती यहाँ पर। आज हमारा समाज सुधर रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है कि कौन हमारा। लगातार दलितों के साथ हो रहे हैं, अभी मैं लखीमपुर खीरी की बात करूं, दो बहुजन बेटियों के हत्या कर दी है और रेप की पुष्टि भी बताई जा रही है। तो लगातार इस तरीके से ही होता चला जा रहा है, कहां जागृत हो रहा है और कहां तक पहुंच रहा है, हाशिए पे खड़ा हुआ है ये समाज। बहन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो जातिवादी मुद्दा बता रहे हो उसके मुताबिक देखो, किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं कि कौन क्या है। और जो ये एट्रोसिटी हो रही है, एट्रोसिटी से आप जान रहे हो कि वो ठाकुर बणियों की सरकारें चल रही हैं, ब्राह्मणों की सरकारें चल रही हैं, उनको पता है कि हमारा कुछ नहीं होगा। अभी इंद्र मेघवाल राजस्थान के अंदर 9 साल के बच्चे के साथ बर्बरता से उसको मारा गया, तो और अभी रिसेंटली आप जो बता रहे हो दो बहनें, सगी बहनें, उनका अपहरण करके, उनका रेप करके उनको पेड़ पे टांग दिया गया, उसके लिए भीम आर्मी राजस्थान पहुँच चुकी है पीलीभीत। तो आज उसके लिए फैसला भी होगा, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। और ऐसा नहीं कि हम जाग नहीं रहे, ऐसा नहीं कि हमारा समाज नहीं जाग रहा, समाज जाग रहा है, मगर ये लोग बलशाली हैं जिनसे हमारी लड़ाई है। आप लोग बलशाली कब होंगे? हम तो कमजोर हैं जी। अभी तो जो चल रहा है, अभी आप देख रहे हो ना डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे को समय से तनख्वाह नहीं मिल रही, समय से पेंशन नहीं मिल रही, समय से कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो मैडम बिना अर्थव्यवस्था के कोई पावर में कैसे आ सकता है? पावर में तो जब आ सकता है जब वो वोट की चोट करे, और वोट की चोट के लिए अब हम तैयार हैं। इस बार मतलब वोट की चोट दे देंगे? बिल्कुल मैडम, वोट की चोट जरूरी है इन सरकारों को गिराने के लिए, वोट की चोट। गुजरात का एक थोड़ा सा मैं पहलू पूछ लूं, गुजरात में क्या लगता है अभी? अरे गुजरात में जो केजरीवाल जो हमारे माननीय जी मुख्यमंत्री है, झूठों का डगोस ले रहे थे, हमें झूठ बोला ना कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और आप मुझे जिताओ मैं आपके साथ समक्ष चलूंगा, हमारे से बोला गया तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें लेके चलूंगा, तुम्हारे को टाइम पे नौकरी है और पक्का सब कुछ कराऊंगा, सफाई कर्मचारियों को बोला और भी बच्चों को बोला, और आप यहाँ जाके गुजरात में जाके झूठ बोल रहा है, ठीक है ना सर? ऑटो चालक के घर पे जाते हैं खाना, ये सब जीतने के बहाने हैं, वोट लेने के बहाने हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ है, ठीक है ना? ऐसे ही हर सरकार करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये आप पार्टी हो, सब ऐसे ही धोखा करते हैं, झूठ झूठ मोट के लॉलीपॉप देते हैं और कहते हैं लॉलीपॉप लो और आपका सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, ठीक है ना? सब ऐसे कहते हैं हम आपका ये कर देंगे, हम आपको साथ लेके चल रहे हैं, हम आपके साथ हैं, ऐसे है दलित भाइयों, लेकिन छुआछूत की बीमारी इतनी गंदी है, हर गाँव हर शहर हर नगर आज भी फैली हुई है। जैसे इन्होंने बोला एक बच्ची दो लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया दलित समाज की, और एक बच्चे को मारा गया राजस्थान में मेघवाल जी ने, आज तक उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता, ऐसी बातों को दबा दिया जाता है, ठीक है ना? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो दलितों को इग्नोर किया जाता है, दलितों को दबाया जाता है। ये जो कुर्सियों में बड़ी बड़ी ऊंची कास्ट वाले जो बैठे हुए हैं, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनको रोड़ों पर रेंगने दो, इनको भूखे मारो, इनसे इतना काम लो कि ये दम तोड़ दे। मैडम ये पेट भरने को विकास समझे, सिर्फ इतना ही हो सकता है कि इनके ये रणनीति है कि मजदूरों को सिर्फ इतना वेतन दो कि जिससे वो पेट भरने को ही अपना विकास समझ सके। कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आज हमारे मजदूरों की कोई आवाज़ नहीं उठ पा रही। ये जो भी सत्ता में सरकार बैठ रही है सबसे पहले मजदूरों को हनन कर रही है। दिल्ली से लेकर कोई से भी राज्य में चले जाओ, आज पूरा देश का मजदूर के साथ अत्याचार हो रहा है।
ये झूठ बोलते हैं कि हम मजदूरों के साथ हैं। मैं समझता हूँ हम गरीबों का खून चूस रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल झूठा बोलता है कि मैं गरीबों के साथ हूँ, वो अमीरों का उद्योगपतियों का साथी है और उद्योगपति का साथ दे रहा है। एमसीडी की जो एमसीडी जिसके तहत आती है वो तो आपको भी मालूम है किसके तहत आती है। अभी आप केजरीवाल की बात करें, देखिए दिल्ली में राजा कौन? केजरीवाल। दिल्ली की सत्ता में कौन? केजरीवाल। दिल्ली की जनता ने वोट किसे दिया? केजरीवाल। आज जब दुख होगा तो केजरीवाल को हमें कहना पड़ेगा, क्या दिल्ली की सरकार क्या इस एमसीडी को नहीं समझा सकती? क्यों हमने वोट दिया उसको? एलजी के तहत तो वो खुद कुछ कदम नहीं उठा सकते केजरीवाल जी। बहन मेरी, ये मीडिया मेरा काम नहीं करेगी तो क्या मैं काम करना छोड़ दूं, बोलना छोड़ दूं? जब वो आया नहीं था सत्ता में, बिजली का तार काटने तो चला गया था। जब आया था दिल्ली में कहता सबसे पहले मजदूरों को पक्का कराऊंगा, वो कहां गई भाषण? बिजली बिल तो कम कराई है। अरे उसने कुछ नहीं कराया, बिजली में घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला उसके नाम का, बहुत लूटा है उसने। एमसीडी में एमसीडी का घोटाला, कई हजार करोड़ रुपए का एमसीडी का पैसा खाया हुआ, जो टैक्स हम कमा के देते हैं केजरीवाल के अकाउंट में जाते हैं। इसलिए बोलते हम केजरीवाल को, केजरीवाल सत्ता का जब उसको पैसा आता है बाहर हमारा, वो हमारे अकाउंट में डलवाता है। जो हम कमाते हैं उसका टैक्स उसके पास जाता है, वो हमारे अकाउंट में। तो अब जब तीन तीन महीने की तनख्वाह हमारे पास नहीं है तो केजरीवाल को दोष देंगे ना? क्योंकि हमने उसे वोट दिया है, वो हमारा नेता है, इसलिए बोल रहे हैं। रही बात एमसीडी की, एमसीडी में नगर निगम की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, 15 साल से हमारे लोगों का खून चूस रही है। आज हमें 20-25 साल हो गए, हमें अभी तक ना तो पक्का करा। पिछले 8 सालों में विकास हुआ है, मानते हैं कि नहीं? मैं तो समझता नहीं, पिछले 8 साल में भूखमरी पड़ी है, देश का नौजवान भूखा मर रहा है, रोडों पे आ रहा है। आठ साल जैसी अब क्या करोगे? तब तो बोलते थे कि कुछ भी हो जाए जिताएंगे सरकार, आएगी बीजेपी। मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, आप ही लोग बोलते थे। बीजेपी को मीडिया ने जिताया, बीजेपी को आरएसएस के लोगों ने जिताया, वोट तो आप लोग देते। अरे मैडम जी, वोट नहीं, मशीन ने जीत दी है। मशीन ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, उसके माध्यम से एक बटन दबा रहे हैं कांग्रेस का, दूसरी वोट जा रही है बीजेपी को। तो बीजेपी को मशीन ने जिताया, जनता ने नहीं जिताया। आप मीडिया के माध्यम से इसकी जांच करवाओ। देखो उसमें ईडीएम मशीन में कोई ना कोई खराबी जरूर है। क्यों? आज मुसलमान नाराज है, आज दलित नाराज है, हर कोई नाराज है बीजेपी से। बेरोजगारी हो रही है तो तब भी जीत का रही है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करा देश के लिए, कोई कुर्बानी नहीं दी उसके परिवार के लोगों ने, काम नहीं किया, कोई भी नहीं काम करा, सिर्फ उद्योग के हित में काम करे। शादी तक जो है अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के बैठे हुए आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बीवी बच्चे आज ही छोड़े, कल छोड़े थे? 8 साल प्रधानमंत्री को बना, बीवी बच्चे छोड़े आज से 40-30 साल पहले। बीवी बच्चे को छोड़ा इसलिए कि अपनी पूरा पार्टी के अंदर पूरा मौज मस्ती लेना था, देश के लिए नहीं छोड़ा। बीवी को परेशान करता होगा इसलिए छोड़ा होगा, बीवी परेशान होगी इसलिए छोड़ा। प्रधानमंत्री पे ऐसे आरोप, अरे क्या हो गया, है तो इंसान ही, वो देश के राजा हैं बोला जाता है। क्या करूँ इसमें, भगवान भगवान बोलकर पूजा जाता है मोदी जी। मैं भी तो देश का युवा हूँ। हम नहीं पूछते, हम नहीं पूछेंगे। जब से मोदी जी आए हैं हमारे समाज का बेड़ा गर्क करके रख दिया, वाल्मीकि समाज का। क्या नाम है आपका? हमारा सफाई कर्मचारी, हमारा वो काम है, लेकिन फिर भी हमें कभी। नाम क्या है? मेरा नाम सुदेश चौरिया। कहाँ से आई है? नांगलोई से। नांगलोई से आई है, इतनी दूर से आप लोग। बारिश का टाइम है, बारिश हो रही है लगातार, इस बारिश में मैं भी आपकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और इतना आप लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारे बच्चे जब भूखे मरेंगे तो हमें यहाँ से भी आगे जाना पड़ेगा, तो भी जाएंगे हम। अब हमारे को कभी स्कूल में भेजा जा रहा, कभी एक बार बताओ डिस्पेंसरी में भेजा जा रहा, कभी कहीं भेजा जा रहा। सर 91 से हम नौकरी कर रहे हैं, जगह जगह से आपसे काम करवाया जाता है, लेकिन पैसा उतना ही दिया जाता, पैसा उतना टाइम पे भी नहीं दिया जाता। हमारा फंड बोनस, हमारा सब कुछ रोका गया। और एक बार बताओ, ये ऐसे लेते घूम रहे हैं, हमारे समाज का बिल्कुल वो सत्यानाश करके रख दिया। पढ़ी लिखी है? नहीं पढ़ी लिखी। बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। बच्चों की अभी शादी नहीं उठाई करी, अभी एक बार बताओ। लोन पढ़ रहे हैं बच्चे? कोई बच्चा नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ पाया? सवेरे 6 बजे हम ड्यूटी पे आ जाते हैं, कौन भेजेगा बच्चों को स्कूल में? कौन बच्चों की परवरिश करेगा? हमारे ऊपर कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा। इसी बात का तो फायदा उठाया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, फिर आपकी जो है जाति के हिसाब से आपका काम वही चलता जाता है, पीढ़ियों दर पीढ़ी आपकी।
होगी, जो है काम यही होगा। और अभी हमारे एक बात जाति प्रजाति का, तो अभी जाति प्रजाति पे तो शोषण कर ही जा रहे हैं, अभी सोच रहे कि ठेकेदारी में दे दो कि ये सारी जिंदगी फिर गुलाम रहेंगे। जैसे कि वो पहले स्टील के बर्तन में खाते थे, आज डिस्पोजल के बर्तन में खाए और फेंक दिया। अब ये सरकार हमारे साथ ये करना चाह रही है, ये काम हो रहा है। हाँ, ये काम मोदी जी का जन्मदिन है और आज यहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे समाज से तो इतनी आंसू, इतनी बद्दुआ निकलेगी इसकी वजह से कि एक बार बताऊं मर्डर हो जाए, जब भी वो नहीं हो जाए हमारे कुछ नहीं। प्रधानमंत्री राजा के लिए बात कर रहे हैं आप, देश के राजा हैं। हमारी आत्मा दुखा रखी है, हमारा दिल दुखा रखा है, जब हमारे अंदर से आत्मा से बद्दुआ निकलेगी तो कहाँ किसको जाएगी। एकदम गरीब की बद्दुआ निकलती है, भगवान भी झुक जाता है, लेकिन ये नहीं झुका। महिलाओं के लिए इतना वो सम्मान की बात करते हैं, जब तिरंगा फहराया था 15 अगस्त को इसी लाल किले के प्रांगण से महिलाओं के लिए बोले थे, वो एक घंटा महिलाओं के लिए बोले थे, महिलाओं के लिए किया होगा, हमारे समाज की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, और मैं और समाज की महिलाओं के लिए सब कुछ किया इसने, लेकिन हमारे समाज की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। और न कभी हमारे समाज से कोई इसने कभी मतलब ये कि भाई पढ़ाई के लिखाई के बारे में कोई कुछ नहीं सोचा। अब क्या कुछ करेंगे आप लोग आगे? आज अगर हमारी नहीं सुनी तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसे ये देखिए आपने किस तरीके से यहाँ पर जो है इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं और कुछ जो अपने घर परिवार से हताहत होते हुए और पैसा ना होते हुए मजबूरियों के चलते अपने बच्चों को आगे बढ़ा नहीं सके हैं, पढ़ा नहीं सके हैं, लेकिन इनके अंदर भी इस तरीके की इच्छाएं हैं कि उनके बच्चे भी पदाधिकारी बने, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे और यहां से अपने बच्चों को ऊपर की और बढ़ाएं। लेकिन ये देखिए कि किस तरीके की जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के आधार पर इनके साथ इनको लूटा जाता है, इनको इस तरीके से पागल बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। आपने खुद सुना कि किस तरीके से ये जनता परेशान है, किस तरीके से जनता के अधिकार, हक अधिकार, खासकर SC ST OBC की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से इनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है और इन्हें पागल बनाकर इनके वोट हासिल करके इनसे किस तरीके से इनके बच्चों को पीछे छोड़ दिया जाता है, तो वही सब आपने देखा। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में, पूजा, सिविक सेंटर, दिल्ली।